भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने आज खुलेआम कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कमलनाथ ने मां का दूध पिया है तो वह चित्रकूट हत्याकांड में सम्मिलित सभी आरोपियों को फांसी की सजा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि वह कभी भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगा रहे हैं तो कभी किसी और पर। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दे रखा है। वहीं यह भी कहा है कि कमलनाथ का तो यही काम है, आरोप लगाना और राजनीति करना। आरोप लगा रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ये घोषणा करता है कि कौन भाजपा के नेता ने कहा कि इनको छोड़ो, किसने कहा इनको बचाओ। अरे कमलनाथ, अगर तुमने माँ का दूध पिया है, चौराहे पर उन अपराधियों को गोली मारो, पूरा भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। तुम अपराधियों को बचाने के लिए कभी भाजपा पर आरोप लगाते हो, कभी दूसरों पर आरोप लगाते हो, ये घिनौना चरित्र तुम्हारा पुराना है। अरे अपराधियों को पकड़ो, फांसी दो, चौराहे पर गोली मार दो। हम निर्दोष बच्चों की हत्याएं नहीं देख सकते, भाजपा नहीं देख सकती, और इसलिए कांग्रेस केवल अपराधियों को बचाने के लिए राजनीतिक हाथों पर कठपुतली बनाने की कोशिश कर रही है।